हेलो वीवर्स माइ सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डाइट दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एथलेटिक्स गेम ट्रैक एंड फील्ड गेम से रिलेटेड आप लोगों के लिए एमसी की क्वेश्चन लेके आया हूँ अगर आप डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या एफ जो स्टेट लेवल की टेक्निकल ऑफिसियल के एग्जाम्स जो होते हैं अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे क्वेश्चन हेल्प करेंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को शुरू करते पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि हमारे यहाँ पे हाउ मेनी एथलीट है रिप्रेजेंट इंडिया इन एथलेटिक्स इवेंट एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2021 ओके जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स हुआ था उसके अंदर एथलेटिक्स okay? गेम में कितने एथलीट गए थे ओके रिप्रेजेंट किए थे एथलेटिक्स गेम्स से रिलेटेड तो आपके पास चार ऑप्शन है थर्टी ट्वेंटी एट ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी फोर तो दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक्स एथलेटिक्स गेम में रिप्रेजेंट किए थे इंडिया को टोक्यो ओलंपिक्स में वो किए थे टोटल एथलीट ट्वेंटी सिक्स अगर आपको जानना है कि कौन से ट्वेंटी सिक्स कीज गेम में स्पेसिफिक थे तो अब मैंने भी इसके ऊपर वीडियोस बनाया आप लोग जाके चेक कर सकते हैं okay? ओके तो हमारा सही आंसर है सी अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे इन विच इवेंट कंपटीशन हैज हिमा दास विन गोल्ड फॉर इंडिया तो आपके पास चार ऑप्शन है फोर इंटू मीटर रिले जकार्ता जो कि एशियंस गेम दो में हुआ था फिर फोर फोर हंड्रेड मीटर मिक्स रिले जकार्ता एशियन गेम्स टू थाउजेंड एटीन थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे हमारा फोर हंड्रेड मीटर आई ए एफ अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड चैंपियनशिप फिनलैंड जो कि टू थाउजेंड एटीन में हुआ था और इसमें से ऑल जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव तो दोस्तों जो हिमा दास ने गोल्ड जीता था इस सारे इवेंट में इन्होंने मेडल जीता था याद रखिए दोस्तों सारे इवेंट में ओके तो हमारा सही आंसर है डी क्या क्वेश्चन पूछा था इन विच इवेंट कॉम्पिटर हिमा दास विन गोल्ड फॉर इंडिया तो सारे इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था याद रखिए दोस्तों और यह पहली इंडियन वुमेन एथलीट है जो कि ट्रैक एंड फील्ड में मेडल इनके नाम है ओके okay? याद रखिए हालांकि अंडर 20 जूनियर चैंपियनशिप था फिर भी इंडिया को कभी भी ट्रैक एंड फील्ड में कोई भी मेडल नहीं था तो ये पहली मिन्स महिला एथलीट है जिनके पास गोल्ड मेडल है ओके ट्रैक इवेंट में इंडिविजुअल इवेंट में भी मिक्स रिले में भी ओके okay, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे फोर हाउ मच टाइम इज द विंड वेलॉसिटी मेजर इन हंड्रेड मीटर हडल्स इवेंट जो विंड वेलोसिटी क्या होता है पता है जिसे अगर आप एथलीट कोई रन कर रहा है कहीं पे या कोई जंप कर रहा है तो जो एयर का सपोर्ट मिले नहीं एथलीट को ओके okay, तो विंड वेलॉसिटी इक्विपमेंट होती है वो वहां पे मेजर्स किया जाता है तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाउ मच टाइम इज विंड वेलोसिटी मेजर्ड इन हंड्रेड मीटर हडल्स इवेंट ओके 100 मीटर हडल्स इवेंट में जो विंड वेलोसिटी है कितने सेकेंड्स के लिए मीन्स हाउ मच टाइम कितने टाइम के लिए मेजर किया जाता है तो चार ऑप्शन है 10 सेकेंड्स 11 सेकेंड्स 12 सेकेंड और 13 सेकेंड तो दोस्तों जो विंड वेलोसिटी मेजर करते हैं हंड्रेड मीटर हडल्स में वो करते हैं 13 सेकेंड के लिए तो हमारा सही आंसर है डी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे आपके सामने एक दिया होगा आपको इमेज में देख के बताना in सामने, सामने दिस रन है, है और इनवेलिड ओके okay? मैं चाहता हूं दोस्तों इसका आप लोग दीजिए ओके अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव क्या देखेंगे वॉट इज द वेट ऑफ जैवलिंग फॉर मेन अंडर 18 इन जो जैवलिंग का वेट होता है मेन अंडर कैटेगरी में कितना रहता है तो आपके पास चार ऑप्शन है 500 ग्राम सेकंड ऑप्शन है 600 ग्राम थर्ड ऑप्शन है 700 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है 800 ग्राम तो दोस्तों जो जेवलिंग फॉर मेन अंडर 18 के लिए होता है दोस्तों वो होता है 700 ग्राम अगर यहाँ पे सीनियर कैटेगरी पूछता तो उनका वेट होता कितना 800 ग्राम ओके मेन कैटेगरी के लिए याद रखिए ओके okay? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या देखेंगे हाउ मेनी वाटर जंप आर देयर इन 3000 मीटर स्टिपल चेज ओके जो 3 किलोमीटर की स्टिपल चेस होती है मींस 3000 मीटर की स्टिपल चेस जो रेस होती है उसके अंदर कितने वाटर जंप होते हैं याद रखिए दोस्तों बहुत से लोग गलती कर देते हैं यहां पे पूछा है वाटर जंप

टू हंड्रेड मीटर का जो लाइन होता है स्टार्टिंग रेस वहां से स्टार्ट होती है याद रखिए दोस्तों अब बढ़ते क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर की तरफ क्या देखेंगे आफ्टर हाउ मेनी रेड कार्ड वॉकर इज कार्डकरीफाइड वेन पेनाल्टी जोन इज ऑपरेशन ओके ये वॉकिंग इवेंट का है दोस्तों तो ये पूछ रहा है कि एक एथलीट को कितने कार्ड के बाद डिस्कालीफाई पेनाल्टी जोन में रखा जाता है ओके okay, तो आपके पास चार ऑप्शन है दो पांच चार और तीन तो दोस्तों जो पेनाल्टी जोन में रखा जाता है वो कितने कार्ड के बाद टोटल फोर कार्ड के बाद ओके okay? तो हमारा सही आंसर है सी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ क्वेश्चन नंबर एट क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट है कैन देयर बी द टाइप फॉर फर्स्ट पोजिशन इन हंड्रेड मीटर वेन फोटो फिनिश इक्विपमेंट इज इन यूज ओके

कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है याद रखिए दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है और हर बार ऐसे क्वेश्चन में जो कैंडिडेट होते हर दम गलती करते तो इसको ध्यान से पढ़िएगा ओके ना वॉट इज द मैग्जिम लेंथ ऑफ स्पाइक्स अलाउड फॉर जेवलिंग थ्रो इवेंट ऑन सिंथेटिक सर्फेस ओके यहाँ पे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्जिम लेंथ ऑफ स्पाइक्स अलाउड फॉर जेवलिंग थ्रो इवेंट ऑन सिंथेटिक सर्फेस जो आप स्पाइक्स यूज करते हो उसका मैगजिमम लेंथ जेवलिंग थ्रो इवेंट में सिंथेटिक सरफेस पे कितना होना चाहिए तो आपके पास चार ऑप्शन है नाइन एम mm, एम सेकेंड ऑप्शन है टेन एम एम थर्ड ऑप्शन है ट्वेल्व एम एम और फोर्थ ऑप्शन है फोर्टीन एम एम तो दोस्तों जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्पाइक्स अलाउड जेवलिंग थ्रो इवेंट में होता है सिंथेटिक सरफेस पे वो होता है दोस्तों ट्वेल्व एम एम का ओके okay? तो हमारा सही आंसर है सी अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन क्या है आइडेंटिफाई दिस एथलीट आपके सामने एक इमेज दिया गया होगा आपको बताना है उस एथलीट का नाम क्या है तो आपके पास चार ऑप्शन है चार ऑप्शन देख सकते हो तो हमारा सही आंसर है बी कविता रावत जानकारी के लिए बता दू इनके नाम पे करंट नेशनल रिकॉर्ड है ओके याद रखिए दोस्तों कौन से टेन थाउजेंड मीटर इवेंट में और इनके नाम पे करंट नेशनल हाफ मैराथन में भी रिकॉर्ड है याद रखिए और जानकारी के लिए बता दू 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनके अंदर इन्होंने 10,000 मीटर इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और सेम ईयर में जो 2010 एशियन चैंपियनशिप हुआ था उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों और अगर पसंद आया होगा दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे या टेक्निकल ऑफिशियल एथलेटिक गेम्स रिलेटेड की तैयारी करें और अगर आप इस वीडियो से कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा Thank you.